बड़ी नहर सावर शहर को सप्लाई करती है। अभी हम मेन रोड से जा रहे हैं, इस रोड के जरिए बाबा कहाँ जा रहे हैं? ये दरगाह शरीफ है। अच्छा अच्छा, हर कोई रिक्शा वाला नहीं ला सकता। आप जैसा इले मोहब्बत ही ला सकता है, हर कोई नहीं ला सकता। अच्छा, छोटे हम नहाते थे जब छोटे छोटे, जब आप छोटे थे इसमें नहाते थे। इधर रीछ और डोगी का मुकाबला होता था, वो पेड़ के नीचे आके, वो पेड़ ने बोर्ड के नीचे, मैं और मेरा बड़ा भाई रस्सी पकड़ के बैठते थे। अच्छा। मेरे वाला शाह का बहुत नाम था तो इसाक भी। अच्छा, नहीं करते अगे अपना, मैं तो लंघ के जान डे। इस वक्त मौजूद हैं दरबार सखी, क्या नाम है इनका जरा? सखी मेहरबान। रोजा माई सरदार अली बाबा सादिक। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बाबा मोहम्मद शाहदीन मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये घंटी सर लगने की वजह से बच गई थी, दानिशा तौर पर इसको हाथ नहीं मारा गया तो कोई गलतफहमी में ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला साहिब मज़ार के दर्जात बुलंद बाला फरमाए और उन्हें बहुत सवाब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। साथ ही एक और मज़ार शरीफ भी है, हज़रत बाबा जी सादिक साईं रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ पे भी घंटी है जो बच के हम निकले हैं। अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। यहाँ के लोग अल्लाह तबारक व तआला इन साहिब मज़ार के दर्जात बुलंद बाला फरमाए। ये साईं बाबा बरकत अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। ये तमाम दरबार तकरीबन एक जगह है। बाबा बरकत के बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ हमने मोहम्मद शाह बाबा
का दरबार दिखाया तो मोहम्मद शाह बाबा के खादिमों में से होते हैं। ये बाबा मालिक शाह की ख्याली तस्वीर है। हाँ, ख्याली नहीं, हाँ यही है असल ओरिजिनल। ये इनके बेटे हैं, ये इनके बेटे हैं, गद्दी निशीन, गद्दी निशीन। ये नेट पे चढ़ा देना सारा। बाकी आगे आगे रास्ता में बाबा मोहम्मद शाह के दरबार से रवाना हो रहे हैं।